आप देख रहे हैं SCN न्यूज इंडिया, हर खबर पर नजर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में सारनी SDOP अभय राम चौधरी और नगर निरीक्षक थाना प्रभारी महेंद्र सिंह चौहान ने महिला पुलिस अधिकारी का पुष्प गुच्छ भेंट कर सम्मान किया। थाना प्रभारी चौहान ने थाने की बागडोर महिला डेस्क अलका राय को सौंपी। साथ ही पुलिस बल ने भी उन सभी महिलाओं का आज श्रीफल मास्क और उपहार देकर सम्मानित किया जो सब्जियों की दुकान, फल की दुकान और कई ऐसी महिलाएं जिन्हें वास्तव में सम्मान मिलना चाहिए उन्हें सम्मानित किया गया। इसके अलावा थाना सारनी में थाना प्रभारी महेंद्र सिंह चौहान के द्वारा संगवारी मोबाइल और अभया स्क्वाड का भी सम्मान किया गया। महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक अभया स्क्वाड बनाया गया है जिसमें लोकल की 4 बच्चियों को शामिल किया गया है। ये कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं जो आसपास देखती रहती हैं कि महिला संबंधित अपराध किस प्रकार का होता है। तो ये स्क्वाड में ये और 4 लड़कियां शामिल है जो हमारी जो संगवारी बनी हुई है उसके साथ जुड़ी रहेंगी और जो भी क्षेत्र में महिला संबंधित अपराध हो रहे हैं उसकी सूचना पुलिस तक देंगी। इसके साथ ही साथ ऊर्जा हेल्प डेस्क को बनाया गया है जिसका संचालन मेरे द्वारा किया जा रहा है। प्रभारी TI सर हैं, उसका नंबर सभी आज रिलीज किया जा रहा है। उसके तहत कोई भी महिला या कोई भी महिला बच्ची जो भी उसकी शिकायत है वो फोन के जरिए सूचना अपने को थाने पर दे सकती है। तो ये शिकायत किसी भी समय दी जा सकती है जब घटना घट रही है। 24 आवर ये नंबर थाने पर मौजूद रहेगा। इसमें जो महिला ऊर्जा हेल्प डेस्क है उसमें कुछ पुरुष अधिकारी कर्मचारी भी हैं उनको भी शामिल किया गया है। तो 24 आवर डे नाइट कभी भी लोग कॉल कर सकते हैं। हमारे थाने का चार्ज हमारी महिला उप निरीक्षक अलका राय के पास रहेगा तथा महिला हवलदार पूनम तिवारी हैं, ये लोग ही आज पूरा थाना संभालेंगे। महिला संबंधी कोई भी रिपोर्ट आएगी ये तत्परता से पहुंचती हैं, उसमें सुनवाई करती हैं, इसके लिए लोग भाई के पास हैं। सारनी से हर्षिता वंतरप की रिपोर्ट।